हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वापस आ चुका हूँ फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, जो क्रिएटिव वाला अपना अचीवमेंट है उसको इजीली आप कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। सुपर फास्ट तरीका आपको जो आज मैं इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो देख लीजिए गाइस, इधर पे मैं आ चुका हूँ। इधर पे आ जाने के बाद देख लीजिए अचीवमेंट में मेरा भी 150 यहाँ पे हो चुका है क्रिएटिव वाले में, देख लीजिए अभी। और अपने को टोटल 500 बार करना है, यानी 500 बार जो है इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए गाइस, आपको जो बताते हैं सुपर फास्ट तरीके से जो है कैसे कंप्लीट होगा। यहाँ पे अपने को जो आ जाना है, इधर पे देख लीजिए, अगर आप टीपीपी में जो है रैंक पुश करते हो तो आपको जो है एफपीपी लगा लेना है। ऑटो मैचिंग ऑन करके लिविंग मैप आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है और फटाफट से जो मैच को स्टार्ट कर देना है। तो चलिए गाइस, अभी जो मैच स्टार्ट हो चुका है, अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ आपको जो है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. तो देख लीजिए गाइस, अपन यहाँ पे आ चुके हैं लॉबी में। अपने को जो है अभी 40-50 सेकंड जो है वेट करना पड़ता है। देख लीजिए अभी मेरा 30 सेकंड बचा हुआ है यहाँ पे, 36 सेकंड 35। तो इस तरीके से आपको जो अभी यहाँ पे वेट कर लेना है। अभी जैसे ही जो प्लेन जाएगा तो अपने को जो स्टार्टिंग में जो जंप कर लेना है फटाफट से। अभी मैं आपको जो पूरा लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको ये कम्प्लीट करना है। तो गाइस, आपको बिना किसी देरी के यहाँ पर पूरा वीडियो जो वॉच कर लेना है, यहाँ पर बिना स्किप किए पूरा वीडियो जो वॉच करना है, तभी आपको जो लगभग समझ में आएगा। नहीं, आप जो देख लोगे जो मेन पार्ट, फिर आपको बाद में जो है समझ में नहीं आएगा। हालांकि देखो, मैं एक्सप्लेन इस तरीके से जो है करता हूँ ताकि बंदे को जो इजीली समझ में आ जाए, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब जो समझ में आ जाएगा। तो चलिए वैसे, यहाँ पे मेरा पूरा टाइम जो खत्म हो चुका है, यहाँ पे अभी प्लेन जो स्टार्ट हो चुका है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो जंप कर देना है। तो देख लीजिए, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा जो है ध्यान भूल गया था, थोड़ा प्लेन बहुत आगे तक चला गया था। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर देख लीजिए जंप किया, जंप करने के बाद अपने को जो है यहाँ पर जोन के बाहर चले जाना है, जो कि लिविक मैप में ये अपना मतलब जो है बग बोल सकते हैं, ग्लिच बोल सकते हैं, जो भी है। ये मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब जो है ये डैमेज करने लगता है, ये जोन यहाँ पर जो खतरनाक वाला डैमेज देता है। इसके बाहर आपको जो है चले जाना है और यहाँ पर फिनिश हो जाना है। तो देख लीजिएगा, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे फिनिश जो है लगभग होने ही वाला है, थोड़ा टाइम बचा है यहाँ पे, 5-10 सेकंड जो है अभी और लगेगा यहाँ पे। तो देख लीजिए, यहाँ पे मेरा बंदा जो है जैसे ही फिनिश हो जाएगा, और बाकी का बंदा देख लीजिए अभी बचा हुआ है, दो बंदा बचा है, ये नंबर टू भी जो फिनिश हो चुका है इसी तरीके से जो है। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहले आपको स्पेक्टेट कर लेना या डायरेक्ट एग्जिट कर लेना। एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ पे जो रेटिंग वाला ऑप्शन है, इसको रेटिंग को दे देना है यहाँ पे फटाफट से जो है जल्दी जल्दी। तो देख लीजिए, मैं रेटिंग यहाँ पे दे देता हूँ फटाफट से तीनों बंदों को जो है। तो रेटिंग आपको इस तरीके से जो है दे देना है यहाँ पे, देख लीजिए, और फटाफट से जो बैक चले जाना है। तो इसमें लगभग जो आपका जो है 3 मिनट का लगभग मैक्सिमम टाइम जाने वाला है, 2 से 3 मिनट, यानी 2 मिनट तो आपको जो लगभग लगने ही वाला है इस मतलब मैच को कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से आप जो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए यहाँ पे पूरा। तो देख लीजिए, इधर पे आ जाते हैं अभी, देख लीजिए यहाँ पे मेरा 3 काउंट हो चुका है और अभी मैच भी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस। तो इस तरीके से अपने को आ जाना है, यहाँ पे 2-3 मिनट के अंदर जो है 3 रेटिंग आपको दे देना है। तो लगभग जो ये 500 बार करना है, यानी 500 बार जो कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए लगभग अपने को जो है 6 घंटा, यानी मतलब जो है लगभग मान के चलो यानी 360 मिनट गाइस, 360 मिनट आपको जो लगने वाला है। इसी तरीके से एवरी मैच आपको 3 मिनट में जो कंप्लीट कर लेना है। तो यानी 6 घंटे में आपका ये पूरा अचीवमेंट जो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जो डेली का 1-1 घंटा जो स्पेंड करते हो तो आपका 6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अगर डेली का 2 घंटा करोगे तो 3 दिनों में हो जाएगा। तो बस भाई लोग, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर लीजिए। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।